अश्विनी चचा प्रणाम, कैसे हैं? नींद तो अच्छा आया होगा आज रात में आपको। लेकिन जो एनटीपीसी का रिजल्ट दिए हैं, बच्चा सबके नींद ना आया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? एनटीपीसी जो CBT 1 का रिजल्ट दिए हैं, आपने वादा किया था ना कि 20 गुना कैंडिडेट का मैं रिजल्ट दूंगा, क्या आपका 20 गुना रिजल्ट आ गया? एक ही लड़का के हर पोस्ट पर रिजल्ट आया है, मतलब 2-3 लाख ही रिजल्ट आया है। 35,000 वैकेंसी था ना, 7 लाख रिजल्ट का वादा था रेलवे की तरफ से, और 2-3 लाख लड़का के रिजल्ट आया है। अब बताइए, क्या ज़रूरत था कि CBT 1 यानी पेपर 1 में अलग अलग पोस्ट पर कटअप देने का, रिजल्ट देने का? पेपर 1 होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी आप पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे तब पेपर 2 का आप एग्ज़ाम देंगे, उसके अनुसार आपको आगे की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। लेकिन नहीं, पेपर 1 ही में आप कटअप अलग अलग कर दिए तब पेपर 1 ही में ज्वाइनिंग दे दीजिए सबको। जब आप कटअप अलग अलग किए, अलग अलग पोस्ट पर, एक ही बचवा के 3 जगह 4 जगह रिजल्ट दिए, और जिसका रिजल्ट ना हुआ वो क्या करेगा? जवाब दीजिएगा। हमको तो लगता है कि रिजल्ट बनाने आता ही नहीं है किसी को, ऐसे रिजल्ट बनता है? 7 लाख देने का वादा था ना रिजल्ट, 20 गुना रिजल्ट ना, 20 गुना रिजल्ट है। हम तो चेक किए हैं, जहाँ एक ही लड़का के 3-4 जगह नाम है, तो वो सब जगह नौकरियाँ करेगा का? चारों जगह नौकरियाँ करेगा एक ही लड़का वा? और सेकेंड CBT में उसका रिजल्ट से छटेगा तो लड़कावा कम होगा, और आगे की जो प्रक्रिया है, कुछ कुछ में टाइपिंग वगैरह है, वहाँ से छटेगा मान के चलिए, तो जिसको टाइपिंगवा ना करने आएगा उसको भी नौकरियाँ दे दीजिएगा, करते रहेगा टाइपिंग। अरे अरे, पी बटन करना है, क्यू बटन करना है, ऐसे करते रहेगा? ऐसे नहीं होता है चाचा, अलग अलग दिए हैं, कटअप कितना गया है, सब लड़का रो रहा है, रात में नींद नहीं आया है किसी को। ऐसे ही गड़बड़ करते हैं ना, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? आप रिजल्ट को कैंसिल करके सबको एक साथ दीजिए, अलग अलग देने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये पेपर 1 है, और पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है पेपर 2 एलिजिबल के लिए, ठीक है? आप इस रिजल्ट को कैंसिल करके फिर से रिजल्ट दीजिए, मात्र एक कटअप रहेगा, हर जोन का अपना एक कटअप, ठीक है? और जो लोग चाहते हैं ना कि रिजल्ट ये कैंसिल हुआ फिर से रिजल्ट आए, कटअप सिर्फ एक रहे, ठीक ना, वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि रिजल्ट आज कैंसिल हो जाए। एक रिजल्ट है, हर बोर्ड का अपना एक कटअप हो, सिर्फ एक कटअप हर कैटेगरी का, ना कि 20 कटअप, हर लेवल का अलग अलग कटअप, एक ही लड़का का 20 जगह नाम, ऐसे नहीं चलेगा। एक कटअप दीजिए ताकि जिसका 1-2-3 पॉइंट से कम हुआ है उसका भी नाम आए रिजल्ट में, ठीक है? जो उम्मीद लगा के बैठे हुए था 80-80 नंबर ला के, उसका नहीं हुआ है, कौन जिम्मेदार है? एक ही लड़का नौकरी करेगा 4 जगह? नहीं, ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट कैंसिल करना पड़ेगा आपको। और आप चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, न तो झुनझुना बजाते रहिए, ठीक है? चलिए, बस इतना ही करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।